भारत सरकार के निर्देशानुसार भारतीय खाद्य निगम बफर स्टॉक का रखरखाव और राज्य सरकार रक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न की आपूर्ति करता है। किसानों के हितों की रक्षा के लिए खाद्यान्नों को खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। अधिग्रहित खाद्यान्नों के समुचित रखरखाव के लिए केंद्रीय पूल की कुल दब 20 लाख मीट्रिक टन हो गई है। भंडारण व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने हेतु इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लाल किले से महत्वपूर्ण उद्घोषणा की गई। आने वाले समय में ब्लॉक लेवल तक वेयर हाउस की फैसिलिटी क्रिएट करने का भी अभियान चलाया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर भंडारण क्षमता विकसित किए जाने से संबंधित घोषणा के क्रियान्वयन के लिए नाबार्ड से सर्वेक्षण कराकर एक कार्य योजना तैयार की जा रही है, जिसमें भारत सरकार के विभिन्न विभाग एवं राज्य सरकारें सम्मिलित हैं। भारतीय खाद्य निगम की भंडारण व्यवस्था के विभिन्न आयाम हैं। अनेक रूप से BIS मानदंडों और CPWD के निर्देशों के अनुसार स्टॉक को सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए किया जाता है। उपलब्ध भंडारण क्षमता का अधिक का सृजन किया गया। किसान हित में तथा जन वितरण प्रणाली के तहत 80 करोड़ लाभार्थियों को खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पारंपरिक गोदामों का निर्माण मुख्यतः खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की प्लान स्कीम के अंतर्गत उत्तर पूर्व तथा पहाड़ी राज्यों में FCI राज्य सरकार के समन्वय से करवाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बढ़ती हुई खरीदा जाता है। इस योजना के अंतर्गत 10 वर्षों के लिए गोदाम का उपयोग एवं किराए की गारंटी निजी निवेशकों को दी जाती है। वो बिल्कुल मतलब करीबी से जानते हैं, इनके बारे में जितना बोला जाए वो कम है। इन्होंने 2002 में MLA की इलेक्शन जीती, फिर 2010 में दोबारा से MLA की इलेक्शन जीती, 8 में, और उसके बाद इन्होंने दिल्ली में अपना परचम लहराया। आज हम जिस प्रोक्योरमेंट की बात कर रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा कि उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे मेंबर पार्लियामेंट साहब श्री युगल किशोर जी का ही है। इन्होंने ही जम्मू के गांव से जुड़े हुए लोगों की तकलीफें जानते हुए भारतीय खाद्य निगम को आग्रह किया कि वो अपने यहाँ पे प्रोक्योरमेंट स्टार्ट करे ताकि लोगों को अपनी फसल का दाम मिल सके। ये लोगों की जाती तकलीफों को इतनी करीबी से देख के उनका हल करते हैं। हम जब भी इनके पास जाते हैं इतनी ज़्यादा भीड़ शायद ही किसी राजनेता के पास रही होगी जितनी हम इनके घर पे देखते हैं। फिर भी ये अपने व्यस्त समय से आज हमारे लिए जो समय निकाल के यहाँ पे आए हैं उसके लिए हम इनके आभारी हैं। इसके अलावा शायद ये बताना भूल गए कि ये हमारे जम्मू के SLCC कमेटी के चेयरमैन भी हैं। जो भी हम काम कर रहे हैं वो इनकी अगुवाही में ही कर रहे हैं। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव पे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की अगुवाही में जो ये प्रोग्राम चल रहा है उसमें इनके आज इनका समय बहुत व्यस्त होने के कारण मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए माननीय मेंबर पार्लियामेंट साहब श्री युगल किशोर जी को बोलूँगा कि वो प्लीज स्टेज पे आके हमें कार्य क्षमता हो। भारत माता की जय। युगल किशोर जी की जय। युगल कि बहुत ग्रेटफुल रहते हैं क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में अच्छा सुना जाना, अच्छा देखा जाना, ये हमारे लिए एक रिस्पेक्टेबल और एक प्राइडफुल मोमेंट हो जाता है। हमारे डिपो में इनका आना हमारे हमारे स्टाफ एज वेल एज हमारे लेबरर्स की जो काम करने की तीव्रता है उसको और उनकी काम करने की इच्छा शक्ति को और बढ़ाता है। इसलिए उनके लिए बार बार उनका ग्रेटफुल होना, उनका थैंकफुल